दीपावली और कहीं कहीं सगाई भी हो रही है, आपकी इच्छा भी पूरी होने जा रही है। इच्छा विक्छा गई तेल लेने, मुझे सगाई वगाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई जिए मरे मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसे आने चाहिए। वानी ओब्रॉय एक बहुत ही रिच औरत है और अगर वो बहू बन के हमारे घर में आ जाती है तो आप जानते हैं कितने पैसे आएंगे, करोड़ों करोड़ में, मतलब लोग खेलेंगे दौलत में। तो तभी कल वो डूबने लगी थी पानी में और उसमें हमारे मुंह से, मतलब अब सब कह रहे थे बचाओ बचाओ, हमारे मुंह से निकला कि भाई हमारी डील का क्या होगा, कोई इसको बचा लो, तो बचाया गया तो कुछ नहीं। दिवाली की तो चलिए खुशियां हैं, ठीक है, फिर पैसे बहुत आएंगे। शंकर से बड़ी खुशबू चल रही थी, शंकर को वो क्या है, मतलब प्रॉमिस कर दिया था कि बिहान से उसकी शादी करा देंगे। अब वानी जी आ गई पिक्चर में तो शंकर वंकर जैसे तो सब कोने में जाए, तो भाई उसका अभी तक यही है कि भाई कब कराओगी बिहान से शादी, कब कराओगे बिहान से शादी। तो हमने कहा अभी बिहान को तुम जाओ भूल, क्योंकि वो तुम्हें मिल नहीं सकता, अब उसकी शादी होगी वानी जी से, क्योंकि पैसे तो वानी दे देंगे, शंकर थोड़ा ना। बिहान ठीक है, एक बार शादी हो जाती है हिंदुस्तान में तो प्यार बाद में ही होता है, तो उसको भी हो जाएगा, थपकी के उसमें याद में है, ठीक है, वॉश आउट हो जाएगा, वानी जी आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वानी जी चैलेंज दे रही है दादी को कुछ, अरे सब अड़ंगे डालने में लगे हुए हैं कि भाई शादी नहीं होने देंगे, सगाई नहीं होने देंगे, क्योंकि थपकी थपकी थपकी, अरे मर गई थपकी यार, अब वानी जी चैप्टर चेंज करो, तो इसलिए दादी ने धमकी दी, लेकिन उसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम अभी जिंदा है और हम किसी की अमकी धमकी आगे बढ़ने नहीं देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अरे मेरा वो पाउच है मेरे हाथ।